के पूर्व ग्रामीण विधायक वर्तमान में प्रधान सज्जन कटारा एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य विवेक कटारा के नेतृत्व में वार्ड 14 के पटेल सर्कल स्थित मार्शला मंगरा कच्ची बस्ती क्षेत्र में पेयजल की पाइपलाइन डालने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वार्ड पार्षद प्रत्याशी रहे मुस्तफा शेख ने बताया कि स्वराज नगर और दीवानशाह कॉलोनी पहाड़ी क्षेत्र होने से पूरे क्षेत्र के लोग पानी की बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। क्षेत्र में वर्तमान में जो पानी की टंकी बनाई हुई है वह जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। लोगों का कहना है कि उसी स्थान पर पुनः नई टंकी का निर्माण कराया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से राहत मिल सके। इसके साथ ही क्षेत्र में विचरण करने आने वाले श्वानों की भी बड़ी समस्या है, क्योंकि श्वान अक्सर मोहल्ले में आते जाते लोगों को काट लेते हैं। इस संदर्भ में भी स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर को भी पत्र लिखते हुए इन समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की है। इस दौरान मनोनीत पार्षद प्रमोद मेनारिया, विशाल पटेल और लोकेश मेघवाल के साथ कई लोग मौजूद थे। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन किया है, पानी की अभी इन दिनों में बहुत काफी परेशानी हो रही है। इन वार्डों में विशेष रूप से जो किसान वाले सवीना भक्त कॉलोनी पटेल सर्किल खान जी पे देकर तो हमने नई टंकी की मांग की। टंकी बने तो लोगों को पानी से राहत मिलेगी और लाल बंदी ये सब पूरा एरिया है। आजकल पानी की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है या जैसवन लाइन रिपेयरिंग हो रही है, बदल ली जा रही है, जिसमें बड़ा अमाउंट गहलोत साहब ने स्वीकृत किया है, वो सब में टाइम लग रहा है जर्जर करने में। तो हमने एक्स्ट्रा व्यवस्था करने के लिए आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और हम सोचते हैं कि कलेक्टर साहब को जहाँ से भी फंड होगा उपलब्ध करा के उन्होंने कहा है कि व्यवस्था कराएंगे। और एक बड़ी भारी समस्या इलाके में ये आ रही है, आजकल ये डॉग बाइट का बहुत चल रहा है, काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। इतने हमारा कुत्ते घूम रहे हैं सड़कों पे और लोगों को काट रहे हैं, ये भी बड़ी समस्या थी। हमने कलेक्टर साहब को कहा उनका जो भी है कुछ भी करके उनकी व्यवस्था करें ताकि लोगों को राहत मिले, इसके लिए हम आगे